यह है दुनिया का पहला टूथब्रश जिसका इन्वेंशन 1498 में हुआ था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह वर्ल्ड वॉर टू के विक्टिम्स की उंगलियों से निकाली गई एंगेजमेंट रिंग्स हैं। सोचो कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर हुआ था तब कितनी लव स्टोरीज को दफनाया गया था। गोल्फ की बॉल को तो आपने देखा ही होगा जिसे एक छड़ी से हिट किया जाता है, पर क्या आपको पता है गोल्फ की बॉल पर डिंपल्स क्यों बने होते हैं? और क्या आपको ये पता है कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट एक ही लाइन में क्यों नहीं होते, सारे अल्फाबेट यहाँ वहाँ क्यों होते हैं? यही सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। राजपूत किंग महाराणा प्रताप अपने साथ दो तलवारें रखते थे जिनका वेट अप्रोक्सीमेटली 25 किलो था। युद्ध शुरू होने से पहले वो अपने शत्रु को एक तलवार ऑफर करते थे। राणा प्रताप कभी भी अपने निहत्ते दुश्मनों पर वार नहीं करते थे। सच में महाराणा प्रताप भारत के एक ग्रेट वॉरियर हैं। मिलिया चिहुआहुआ नाम के कुत्ते से अगर हाइट के मामले से देखें तो ये दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता है जिसकी लंबाई 3.8 इंच है। बहुत छोटा है। अलबामा की रहने वाली मैरी एंडरसन को पहले ऑपरेशनल विंडशील्ड वाइपर के इन्वेंशन करने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने अपने 1903 के पेटेंट में अपने इस इन्वेंशन को इलेक्ट्रिक कारों और अदर व्हीकल्स के लिए विंडो की सफाई करने वाला इक्विपमेंट बताया है। इन महाशय ने एक बार चीनी हवाई अड्डे पर एयरलाइन के अतिरिक्त सामान शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए 70 गुना कपड़े पहने थे, लेकिन बाद में इनका ये आइडिया मजाक बनकर रह गया। रुपए एक नोट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के करंट गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। एक रुपए का नोट इसका एक्सेप्शन यानी अपवाद है, पर ऐसा क्यों? दरअसल सिक्कों को बनाने की रिस्पांसिबिलिटी खुद गवर्नमेंट की ही है, ये आरबीआई का काम नहीं होता, इसको आरबीआई जारी नहीं करता। और यही वजह है कि एक रुपए के नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर न होकर के भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी डिजाइन वाले और डिंपल युक्त गोल्फ की बॉल किसी को भी पहली नजर में बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गोल्फ की बॉल पर ये डिंपल्स क्यों होते हैं? दरअसल इसके पीछे एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल वर्क करते हैं। शुरुआत में गोल्फ की बॉल चिकनी होती थी किसी अंडे की तरह, लेकिन गोल्फ खेलने वाले प्रोफेशनल प्लेयर्स ने देखा कि एक नई चिकनी गेंद की तुलना में एक पुरानी घिसी हुई और कटी फटी हुई गेंद दूर तक जाती है और उसकी एक्यूरेसी भी न्यू बॉल के कंपेयर में बेहतर होती है। और इस फैक्ट को उन्होंने गेंद बनाने वाली कंपनी के साथ शेयर किया और बाद में फिर इस पर रिसर्च किए गए। रिसर्च के रिजल्ट्स में पाया गया कि रिलेटिवली रफ बॉल पर स्थित गड्ढों में हवा भर जाती है और इस तरह से उस गेंद के चारों तरफ हवा की एक परत बन जाती है जो उसे उड़ने के दौरान हवा के साथ उसके घर्षण को कम करती है। इससे गेंद दूर तक और बार बार बिना अपने लॉन्च के रास्ते को बदलते हुए चलती जाती है और बाद में धीरे धीरे चिकनी बॉल की जगह इस न्यू बॉल ने ले ली। इस मामूल से दिखने वाले चेंजेस को होने में करीब 100 साल लगे। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की जर्सी पर अक्सर आपने एक नंबर लिखा हुआ देखा होगा। ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि हमारे उन प्लेयर्स की पहचान होती है, यहाँ तक कि हर प्लेयर्स की जर्सी का नंबर अलग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी की जर्सी के नंबर कैसे डिसाइड किए जाते हैं या किस खिलाड़ी को कौन सा नंबर दिया जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? शायद आप ये जानकर शॉक्ड होंगे कि इस नंबर गेम के पीछे भी एक राज है। वैसे तो हर खिलाड़ी अपनी जर्सी का नंबर खुद सिलेक्ट करता है, लेकिन उस चुनाव के पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली जिनकी जर्सी का नंबर 18 है। दरअसल इस जर्सी नंबर के साथ विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 विश्व कप जीता था, इसलिए तब से कोहली ने 18 नंबर को हमेशा के लिए अपना लिया। और ऐसे सारे प्लेयर्स ने कुछ न कुछ रीजन से अपना जर्सी नंबर सिलेक्ट किया है। आपके माइंड में ये तो जरूर आया होगा कि कीबोर्ड में सारे अल्फाबेट इधर उधर क्यों होते हैं, मतलब सीधे एक ही लाइन में क्यों नहीं होते? तो आप ये जान लो, जब टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ तब सारे अल्फाबेट लाइन में ही थे, जिस कारण से लोग टाइपराइटर से काफी तेज टाइपिंग किया करते थे और यही रीजन था टाइपराइटर के खराब होने का, क्योंकि लोग टाइपराइटर को आराम से यूज में लिया करते थे। अब इसका समाधान निकालने के लिए कंपनी ने सारे अल्फाबेट को यहाँ वहाँ कर दिया जिससे यूजर की स्पीड डाउन हो गई और इसका रिजल्ट यह निकला कि टाइपराइटर जल्दी खराब होना बंद हो गए। यही कारण है अल्फाबेट का एक लाइन में न होने का। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर देना